सिद्धार्थनगर में लगातार मौसम परिवर्तन होने पर लोग अपने खान पान पर ध्यान रख रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में बच्चों को रसगुल्ला खाकर फूड पॉइजनिंग का शिकार होते पाया गया और वहीं 20 बच्चे व 3 महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। मामला सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के कोयरी डीह का है, जहाँ एक महिला के घर रसगुल्ला बच्चों को तथा 3 महिलाओं को खिलाया गया और वहीं बच्चों की तथा महिलाओं की हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहरतगढ़ लेकर आए, जहाँ 20 बच्चे और 3 महिलाओं का इलाज शुरू किया गया। मामले की जानकारी पाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व पुलिस बल मौके पर पहुंचे, ताकि बच्चों तथा महिलाओं का इलाज सुचारू रूप से हो सके, जिसमें 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन बच्चों को मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के लिए रेफर कर दिया गया है। भैया, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ में है, कुछ बच्चों को लेके आए हैं, क्या मामला है? जी भैया हमारे यहाँ एक औरत जो है रसगुल्ला बनाई थी, उसी की वजह से फूड पॉइजन हो गया था, वो बासी था। अब 20-22 लड़के थे उसमें और 3 औरत थी। क्या उनकी इलाज चल रही है क्या? जी, सोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज चल रहा है और लड़कों का सब सही हो चुका, केवल 2 लड़के ऐसे हैं जिनका अभी हालत थोड़ा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।